दोस्तों, हमारे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी बात को साबित करते हुए मेरठ के एक छात्र ने वो कर दिखाया है जिसे विदेशी कंपनियों के इंजीनियर भी सोच में पड़ जाएंगे। असल में मेरठ में रहने वाले एक स्टूडेंट जिनका नाम वकार अहमद है, उन्होंने बिना पेट्रोल से चलने वाली एक बाइक बना डाली है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये बाइक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जिसमें पेट्रोल की एक बूंद की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बाइक सिर्फ 20 रुपए के खर्चे पर तकरीबन 100 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। दोस्तों, आपको हैरत होगी ये जानकर कि वकार अहमद के परिवार की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके बावजूद वकार ने 72,000 में इस बाइक को तैयार कर दिया है। वकार एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं। वकार बचपन से ही काफी होशियार थे और वकार को ऑटो इंजीनियरिंग का शुरू से ही काफी शौक रहा है। एक बेहद ही जीनियस दिमाग के बलबूते पर ही वकार दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के टॉपर रह चुके हैं। वकार ने इस बाइक को अपने ही घर में तकरीबन 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। इस बाइक में वे सारे फीचर्स हैं जो एक आम बाइक में होते हैं। इस बाइक को मोटरसाइकिल और कार के कई पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया है। इसमें चेन की बजाय बेल्ट लगी हुई है। असल में ये एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो सिर्फ 20 रुपए के खर्चे पर चार्ज होने के बाद तकरीबन 100 किलोमीटर तक 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा सकती है। इस बाइक में एक रीजनरेटर मोटर लगी हुई है, मतलब इस बाइक में कोई भी इंजन नहीं है। यह बाइक जनरेटर के सिद्धांत पर चलती है। यह बाइक एक लैपटॉप चार्जर से भी आराम से चार्ज हो सकती है। इस बाइक में ज्यादा शोर नहीं होता, इसलिए ये इको फ्रेंडली भी बन जाती है। ये बाइक ना तो हीट होती है और ना ही इसमें कोई वाइब्रेशन होती है, इसलिए इस बाइक की मेंटेनेंस भी जीरो है। इस बाइक का लुक भी काफी स्टाइलिश है। इस बाइक के फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह की बाइक की इंटरनेशनल मार्केट यानी विदेशों में इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए होगी, मगर जो लोग स्टंट करना ज्यादा पसंद करते हैं, ये बाइक उनके लिए नहीं है, क्योंकि इस बाइक से स्टंट नहीं हो सकते। इसलिए पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज बन जाती है, क्योंकि वे अपने बच्चों को इस बाइक को आराम से खरीद कर दे सकते हैं। वकार की माँ का ये कहना है कि वकार ने दिन रात मेहनत करके इस बाइक को तैयार किया है। जब रात को सभी सो जाते थे तो वकार चुपचाप उठकर इस बाइक को तैयार करने लगते थे। वकार का हमेशा यही कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना पूरा करना है और इसी कारण से वकार अहमद प्रधानमंत्री मोदी जी से काफी इंस्पायर हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की चाहत रखते हुए वकार ने इस बाइक का नाम भी मोदी जी के नाम पर ही रखा है। आज तकरीबन सभी भारतीयों को ऐसे ही एक जज्बे की जरूरत है ताकि वह समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सके। सरकार को भी ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे वकार हैं जो चाहते तो हैं कुछ करना, मगर शायद उनके पास वो संसाधन नहीं है जिनकी उनको जरूरत है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या ऐसे टैलेंट को सरकार की तरफ से बढ़ावा और मदद मिलनी चाहिए? यस और नो कमेंट करके ऐसे स्टूडेंट को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।